हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ यू फाइन? कैसे हैं सिंह भाई? आप भी बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाओ, कैसे एंजॉय कर रहे हैं अभी? एंजॉय क्या, देखो अभी बारिश लगी है, हल्की हल्की बारिश लगी है। मौसम भी इतना ठंडा हो चुका है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप हम दिसंबर के मंथ में हैं। और एक बात बताऊँ आपको, मैं पहाड़ियों की पीक पर आकर पहली बार हम एंजॉय कर रहे हैं इस तरह का। हाँ आप बिल्कुल, पहली बार। कई बार हम सोलन वैली में आए, नाले में आए, लेकिन हमने ये लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया पहले ना। और यहाँ पे आके मैंने एक बात देखी कि ये जो पहाड़ी है ना, ये सोलंग नाड़ा के बिल्कुल टॉप के ऊपर है। वहाँ से रोप वे है और रोप वे के माध्यम से जो है वो यात्री टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ही शानदार व्यू है, सामने पहाड़, बहुत शानदार पहाड़ है। तो जहाँ तक इस हाइट की बात है, ये 3200 मीटर है सोलंग नाड़ा से नीचे से ना। और जब ना ऊपर आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे दिल बाहर आ रहा है, बाहर जो हमारी महिलाएं हैं, इन्होंने हमारा दिल को पकड़ा रखा। लेकिन लेकिन यहाँ आके जितना एंजॉय किया और जितना एक बेटर फील किया, आई थिंक इट इज रियली अमेजिंग। और बहुत एक कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे आप नेचर को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आज मैं देख रहा था कि यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश लगी और अभी धूप आ गई, ये भी भगवान ने हमारा वेलकम किया डेफिनेटली। और धूप इतनी प्यारी, इतनी जबरदस्त ना कि अल्टीमेट। तो कह सकते हैं हमारा ये टूर अपने आप में बहुत बेहतरीन टूर रहा, वी एंजॉय अ लॉट। एंडिंग की तरफ जा रहा है, एंडिंग तरफ जा रहा है, और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। तो साथियों आओ, अगले जब भी आप सोलंग नाड़ा आए तो यहाँ पे आना ना भूलें। और यहाँ पे सिर्फ मात्र 700 रुपये टिकट लगती है, और 700 रुपये में जो है आप यहाँ टॉप पे पहुँच सकते हैं, और यहाँ से आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखें कि खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके आए, क्योंकि हमने गलती कर दी, क्योंकि यहाँ कैफेटेरिया में देखा मैंने कि लोग ना ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, और यात्री इन लोगों से बात भी कर रहे हैं। ये इस कैफेटेरिया का एक नेगेटिव रिव्यू मैं दे रहा हूँ। रश में नहीं बोल रहे हैं आप, पता क्या होता है, कई बार यात्रियों के हिसाब से ना मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब यात्रियों का कसूर है, मेरे सामने मेरे से जो बर्ताव हुआ, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ और मैंने इनको बोला कि मेरा ये ऑर्डर है, इन्होंने मेरे से बात करने 5 मिनट लगाए। और जब बात की मैंने इनको बोला कि ये ऐसा करो तो मैटर कैसे कर दो, तो मेरे को बोला जी आप ऐसा करो, आप 15 मिनट बाद आना। तो दिस इज़ ए वेरी आई थिंक मिसबिहेवियर विद द टूरिस्ट। बाकी खाने का सामान आप नीचे से लेके आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इट्स ए वेरी नाइस ट्रिप, थैंक यू। जय हिमाचल, जय मनाली, जय सोलंग नाड़ा।